इंद्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मनातान् अभजत् भृगुन् बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। एक बार इंद्र ने बलि महाराज का वध कर दिया, देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन जब हुआ था उस समय की घटना। युद्ध हुआ देवताओं में और दानवों में, भगवान इंद्र वज्र चला दिए बलि महाराज पर, बलि महाराज मर गए, गिर गए। तो उनको कुछ दानवों ने उठा करके विमान से शुक्राचार्य के पास लाए, ले गए। तो श्रीपाद शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, मरे हुए को जिलाने वाली विद्या, इसमें तो संसार में ये विद्या नहीं है। उस समय भी सब जगह नहीं थी, केवल शुक्राचार्य इसको जानते थे। तो अपने शिष्य को बलि महाराज को उन्होंने जीवित कर दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इंद्रेण, इंद्र के द्वारा पराजित श्री इंद्र का धन, बलि का धन छीन लिया गया देवासुर संग्राम में। और अशुभिश्च हापित, अशुभि प्राणिश्च त्याजित, प्राण भी छोड़ना पड़ा बलि को, मर भी गए, सारा धन भी ले लिए इंद्र। लेकिन भृगु भी सह जीवित, भृगुवंशियों के द्वारा श्री शुक्राचार्य जी के द्वारा जीवित, जीवित कर दिया। जब बलि महाराज को जीवन मिला दूसरी बार अपने गुरु की कृपा से, बलि महाराज ने विचार किया कि हमें भोगों में नहीं रहना चाहिए, तप करना चाहिए यदि जीवन में विकास करना है। देखिए, मर करके व्यक्ति जिया है, उसका सारा धन देवता छीन लिए हैं, लेकिन उसका साहस और निर्णय कितना है। जब शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया तो वे क्या किए, सर्वात्मना तान अभजत भृगुन बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदने, तान भृगुन उन भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा बलि महाराज ने सर्वात्मना किया, सब तरह से, मन से, वचन से, शरीर से, श्रद्धा से, भक्ति से, और अर्थ निवेदन वाला, और पैसा से अर्थ निवेदन। बताइए, जो व्यक्ति मरे हुए को जिला दिया हो तो उसकी कौन सी सेवा करके आदमी ऋण से मुक्त हो सकता है। तो बलि महाराज बहुत कृतज्ञ हुए, हमारे गुरु ने हमको जीवन दान दिया, तो इस जीवन में बस इनकी सेवा ही करनी है, उन्होंने निश्चय कर लिया। सर्वात्मना, एक असुर होते हुए भी उन्होंने निर्णय किया कि ब्राह्मणों की सेवा मुझे करनी है, बहुत कृतज्ञ हुए थे। इसलिए सर्वात्मना अभजत, सब तरह से सेवा किए, क्योंकि बलि महाराज एक महात्मा थे। सुखदेव गोस्वामी यहां पर महात्मा, महान मन था, महान विचार था। पैसा खर्च करने में भृगुवंशी ब्राह्मणों के लिए उनके मन में कोई भी संकोच नहीं था। जो व्यक्ति अपने मन को, आत्मा को भगवान में लगा लेता है या उच्च विचार में, उसको महात्मा कहा जाता है। और जिसका चित्त संसार के भोगों में रहता है उसको कृपण कहते हैं, वो महात्मा नहीं है। तो बलि महाराज महात्मा थे। अब उनके मन में संसार भोगने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु देवताओं से, वंश परंपरा से बैर होने से स्वर्ग जीतने की लालसा थी, भोगने के लिए नहीं। बैर है, हमको उन्होंने मारा है तो हम भी अपनी शक्ति जुटा करके और स्वर्ग छीने, ये उनके मन में एक विचार। और प्रहलाद महाराज ने इसका अनुमोदन किया, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी देवताओं के विरोधी कुल में ही जन्म लिए, दीति के कुल में जन्म लिए हैं और देवता लोग अदिति के कुल में, पिता दोनों के एक ही, दैत्यों के और दानव आदित्यों के। यह संस्कार था बलि महाराज में, स्वर्ग जीतने की लालसा थी, लेकिन थे महात्मा।
और शिष्य थे। शिष्यों महात्मार्थ निवेदन, शिष्य थे ही, गुरु ने बड़े स्नेह से इनको जीवित किया था, इनको पाला था, पोसा था। तो इस बात की याद जब जब आती होगी बलि महाराज को, तो कितना कर्तव्य होते हैं, इसलिए वे सेवा करने लगे। सेवा में एक बात तो और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अर्थ निवेदन। एक हिंदी के कवि ने कहा है कि तन से सेवा सब करे, धन से करे न कोय, जो धन से सेवा करे सच्चो सेवक सोए। और एक टीकाकार भागवत के कहते हैं कि पैसा से सेवा किया बलि महाराज ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की, न तो शुष्के न निवेदन, न शुष्क से न आए। तन से सेवा सब करे, धन से करे न कोई, जो धन से सेवा करे सच्चो सेवक सोए। वैसे ही कुछ बना लिया गया है वास्तव में। यदि धन न हो तो तन से वचन से सेवा ईश्वर हो परी है। तो बलि महाराज अर्थ निवेदन, जितना सामान चाहिए, घर द्वार फैसिलिटी भृगुवंशी ब्राह्मणों को उन्होंने दिया। अरे जो प्राण दिया है, जीवन दिया है, उसके लिए अब धन देना कौन बड़ी बात, खूब सेवा किया उन्होंने, वे प्रसन्न हो गए, समस्त ब्राह्मण प्रसन्न हो गए इनकी सेवा से। सर्वात्मना का अर्थ है शरीर से किए, मन से किए, वचन से किए। वे लोग फिर अपने शिष्य के लिए प्रतिदान किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम ब्राह्मणा भृगव प्रियमाणा अजाजयन विश्वजिता तृणाकम जिगीषमाणम विधिना विशिच्य महाभिषेकेण महानुभावः। वे भृगुवंशी ब्राह्मण महानुभावा, महान प्रभाव वाले थे, परम ज्ञानी थे, वेदों के परम विद्वान। तो वे प्रिय मारा, बहुत प्रसन्न हुए बलि महाराज की सेवा से। अब देखिए, जो व्यक्ति मरे हुए को जिला सकता है और उसको फिर सेवा से प्रसन्न कर लिया जाए, तो क्या वो स्वर्ग नहीं दे सकता है? स्वाभाविक समझने की बात है। बलि महाराज ने जब सेवा किया अपने गुरु की और गुरु के परिवार ब्राह्मणों की, भृगुवंशी ब्राह्मण, जिसके प्रवर्तक भृगु महाराज के चरण के आघात को भी भगवान छाती पर सहे, उस वंश के वे लोग थे, यह भी एक बहुत बड़ी बात। भगवान कितना मानते थे भृगु जी को, चरण सहलाने लगे और कहने लगे, आपके आने का संवाद नहीं मिला था, नहीं तो मैं उठ करके आपका स्वागत किया होता, आपके कोमल चरण में चोट लग गई होगी मेरे कठोर वक्षस्थल के संस्पर्श से, आप मुझे क्षमा कर। उसी वंश के शुक्राचार्य जी हैं। तो वंश का एक गुण आ रहा है, बहुत बड़ा ज्ञान। गीता में भगवान ने कहा है, कविना मुसना कवि, मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूं। उसका अर्थ एक शुक्राचार्य के समान विद्वान कोई नहीं, ये भगवान की विभूति। और वे प्रसन्न हो गए सेवा से। जो प्रसन्न हो गए तो बलि महाराज से उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से पूर्ण प्रसन्न हूं और तुम अपने मन की इच्छा व्यक्त करो, तुम क्या चाहते हैं। तो जिगीषमाणम तृणाकम, तृणाक का अर्थ है स्वर्ग। बलि महाराज ने कहा कि गुरुदेव, मैं स्वर्ग जीतना चाहता हूं, जिन देवताओं ने मेरा वध किया था मैं उनका पद हथियाना चाहता हूं, लेना चाहता हूं। तो बहुत कठिन बात थी, लेकिन शुक्राचार्य जी भृगुवंशी ब्राह्मण थे, उनमें प्रताप था। तो विधि ना, वेद की विधि से महाराज का अभिषेक किए और महाभिषेक विधि पूर्वक यज्ञ चालू किए।
वास्तव में उस यज्ञ में भगवान की पूजा की गई। देखिए असुर होकर भी यह व्यक्ति भगवान की शरण ले रहा है स्वर्ग जीतने के लिए, और शुक्राचार्य जी ने भगवान का अभिषेक कराया इनके द्वारा और यज्ञ में दीक्षित किया। उस जीत यज्ञ का नाम क्या था? विश्वजीत यज्ञ। यज्ञ का नाम भी अद्भुत है, विश्वजीता तृतीया नहीं, विश्वजीत यज्ञ। वेद में लिखा गया है कि यह यज्ञ करने पर व्यक्ति संपूर्ण विश्व को जीत सकता है। शुक्राचार्य तो वेद के विद्वान है, उन्होंने कहा ठीक है विश्वजीत यज्ञ करो। बलि महाराज एक यज्ञ किए, उस यज्ञ में पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की ही आराधना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से ही कोई विश्व विजय कर सकता है, और किसी देवता की कृपा से नहीं। तो भगवान की आराधना हुई विधिना, विधि पूर्वक। महानुभाव है ही शुक्राचार्य और उनके परिवार के लोगों का कहना है ज्ञान कितना है, तो खूब अच्छी तरह से किए। और इतना अच्छा यज्ञ हुआ कि उस यज्ञ कुंड से रथ निकला, घोड़े निकले, धनुष निकला विश्व विजय करने के लिए। मंत्र ऐसे बोला गया और यज्ञ कुंड से सुंदर रथ निकला, घोड़े निकले और तरकस बाण सब निकलने, जो सिद्ध हो गए, सूचित हो रहा था कि विश्व विजय होगा। क्या क्या यज्ञ कुंड से निकले इसको बता रहे हैं। ततो रथ कांचन पट्टन अर्धो हयाच हरयस्व तुरंग वर्णहा ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुतासना दास हविर्भिरिष्टा। ततः जब यज्ञ पूरा होने को था, आहुति दी जा रही थी अभी, कांचन पट्ट नब्ध सोने के चादर से मढ़ा हुआ, ये सोने से मढ़ा हुआ एक दिव्य रथ निकला। यह अद्भुत बात है, लेकिन वेदों में सब शक्ति है, मंत्रों में। सोने का रथ निकला यज्ञ कुंड से, और तूणौ अरिक्तौ कवचम च दिव्यम। अरिक्त तूण, तूण का अर्थ है तरकस। आप लोगों ने देखा होगा चित्र में भगवान श्री राम तरकस रखे हैं पीछे, या अर्जुन ऐसे बाण निकालते हैं, धनुष पर रखते हैं, मारते हैं। तो दो तरकस आए अक्षय, उनमें से कितना भी बाण निकाला जाएगा वो बाण खाली नहीं होते, ऐसा अग्निदेव ने दिया। या ये कहिए कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के दिए, भगवान स्वयं दे रहे। एक तरफ तो बलि महाराज को स्वर्ग पर विजय दिए और दूसरे तरफ जाकर भीख मांगकर फिर सब ले लिए। ये भगवान की लीला है। तो तूणव अरिक्तौ, भरा पड़ा तर्क, बाण से भरा हुआ तर्कस जो कभी क्षय नहीं होने वाला था, और कवचम च दिव्यम, और छाती पर एक कवच सिल बांधा जाता है, तो कवच निकला। शत्रु के आघात से बचने के लिए वक्षस्थल पर कवच पहना जाता था, सोने का कवच पहनते थे पहले के लिए। ये तीन चीज पहले निकली, और इसके बाद पिता महस्तस्य ददलच माला। जब ये सब निकलने लगे तो तस्य पितामह, बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज, एक वैजयंती माला पहनाए जो विजय को सूचित करने वाले। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम जीत लो स्वर्ग। एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया था कि प्रहलाद महाराज भी पूरा पारिवारिक भावना में आ गए। होता है भाई, जब पारिवारिक झगड़ा होता है तो एक परिवार के लोग दूसरे के विरोधी होते हैं, तो केवल इसी कारण से विरोधी होंगे कि मैं इस परिवार का हूं बस, और कोई बैर हो या ना। दैत्य में और देवताओं में
कलह चलता ही है और प्रहलाद महाराज दैत्य हैं और उनका पौत्र आज विश्व विजय करने जा रहा है तो वे भगवान पर चढ़ाई गई माला दिए जिसके पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं थे, अम्लान पुष्पम, अम्लान पुष्पम। इधर तो संसार में हम लोग माला बनाते हैं एक दो दिन में मुरझा जाते हैं पुष्प, लेकिन प्रहलाद महाराज ने जो माला दिया उसके फूल कभी मुरझाने वाले नहीं थे और वह माला विजय को सूचित करने वाली थी। प्रहलाद महाराज ने आशीर्वाद दिया और जलजम च शुक्र, और श्रीपाद शुक्राचार्य ने जलज दिया, शंख दिया। इसके बाद फिर निकला अग्निकुंड से धनुष दिव्यम पुरटोपनर्धम, धनुष निकला यज्ञ कुंड से जो सोने से मढ़ा गया था, और ऊपर में भूल गया कहना कि घोड़े निकले, ध्वज निकला और धनुष से कहने में मैं कुछ इधर उधर हो गया है। पहले निकला रथ, घोड़े और ध्वज। घोड़े जितने थे सब हरे वर्ण के थे, ग्रीन के, इंद्र के घोड़े का जो रंग है वही रंग था। भगवान इंद्र के चारों घोड़े हरे रंग के हैं। भगवान श्री कृष्ण जब सारथी बने थे अर्जुन के रथ में तो चारों घोड़े उज्ज्वल चंद्रमा के समान थे। तथा श्वेत हयर जुक्ते महती स्यंद ने स्थित, श्वेत हयर जुक्ते, श्वेत घोड़ों से युक्त रथ। तो हरे घोड़े निकले और इसके बाद दिव्य धनुष निकला, कवच और तुड़ी। इसके बाद प्रहलाद महाराज ने माला दिया, शुक्राचार्य ने शंख दिया, युद्ध की जो भी सामग्रियां थी इस तरह से ब्राह्मणों ने दिया, संपादित किया। यज्ञ कुंड से पैदा किए तो ये माना जाएगा कि ब्राह्मणों ने दिया, उसी को श्री सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं। एवं सदिप्रार्जित जो धनार्थन तय कल्पित स्वस्थ विप्राण प्रदक्षिणीकृत कृत प्रणाम प्रहलाद मामंत्र नमस्कार। एवं इस प्रकार विप्रार्जित जोधन, जोधनार्थ, जोधन अर्थ युद्ध करने के लिए जितनी भी सामग्रियां चाहिए सब ब्राह्मणों ने दिया। एक एक बात सोच सोच करके, और च शब्द इसमें आया है उसका अर्थ होता है कि जिन बातों का उल्लेख यहां नहीं है वे सब सामग्री भी ब्राह्मण दिए, जो भी युद्ध की सामग्री हो सकती है। और युद्ध की सामग्री देने के बाद उन लोगों ने फिर स्वस्ति वाचन किया, मंगल वाचन किया। बलि महाराज युद्ध के लिए तैयार हुए तो उनके सिख से नख तक, हाथ आदि को छू छू करके शुक्राचार्य जी उसको अमोघ बना रहे थे, किसी का अस्त्र कभी काम नहीं कर सकता, तुम्हारा हाथ न कट सकता है, न पैर कट सकता है, न कहीं चमड़े में भी कोई छत विछत नहीं हो सकता। वैदिक मंत्रों से नारायण कवच कहिए चाहे जो भी जैसा होगा, मंत्र पढ़ पढ़ करके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि युद्ध की सारी सामग्रियां हैं फिर भी हम जीत जाएंगे कोई गारंटी नहीं। बड़े लोगों का आशीर्वाद बहुत महत्व की बात होती है, प्रत्येक व्यक्ति को बड़े जनों का आशीर्वाद लेने की चेष्टा करनी चाहिए। युद्ध की सारी सामग्रियां हैं, यज्ञ कुंड से निकल रही हैं, फिर भी शुक्राचार्य स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, तुम्हारा मंगल हो, विजयी भव, सुखी भव, तुम्हारे अंग वज्र से भी न मारे जाए। एक बार तो मारे गए थे
और फिर जा रहे हैं उन्हीं देवताओं से युद्ध करने के लिए, स्वर्ग जा रहे हैं। उस बार तो इस तरह बुरी तरह मारे गए थे और इस बार फिर युद्ध करने जा रहे हैं, तो खतरा तो है। इसलिए वैदिक मंत्रों से उनका मंगल किया जा रहा है। इस तरह का मंगल सब जगह हम लोग देखे हैं, भारत में सिस्टम है। जब बच्चा कोई लड़का विवाह के योग्य होता है और विवाह करने के लिए ससुराल जाता है, तो उस समय स्त्रियां या ब्राह्मण मंगल वाचन करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, तुम सुख से जाओ और लौटो, तुम्हारा गर्भस्थ जीवन सुखी हो। चावल छिड़क करके, अंकुर छिड़क करके, कुमकुम लगा करके आशीर्वाद दिया जाता है। ऐसा नहीं केवल कार ठीक हो जाए और बस मंगल ही मंगल है नहीं, उसके बाद मंगल वाचन किया जाता है, करना चाहिए। फिर तो स्वस्थ ने कहा तो स्वस्थ वाचन किया गया उनको वैदिक मंत्रों से, और तब विप्रान प्रदक्षिणी कृत्य, बलि महाराज ब्राह्मणों की परिक्रमा की है, तीन चार बार परिक्रमा करके। यहां हमेशा बहुवचन में रखा जा रहा है इसलिए कि यज्ञ करने में शुक्राचार्य के साथ साथ और भी ब्राह्मण, तो विप्रान प्रदक्षिणी कृत्य ब्राह्मणों की परिक्रमा करके इसके बाद प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद अपने कुल के सबसे बड़े प्रहलाद महाराज से आज्ञा मांगे, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए, मैं विश्व विजय करना चाहता हूं। प्रहलाद महाराज ने आशीर्वाद दिया तथास्तु, ठीक है। और इस तरह सज करके बलि महाराज चले स्वर्ग जीतने के लिए। अथारुह्य रथम दिव्यं भृगुदत्तम महारथ सुश्रग्धरोथ सन्नह्य धन्वी खड्गी धृते सुभी। एक पूर्ण योद्धा के भेष में सजे हुए बलि महाराज कैसे लग रहे हैं। भृगुवंशी शुक्राचार्य के द्वारा दिए हुए उस महान रथ पर वे चढ़े, स्वयं महारथी थे। जो व्यक्ति 10,000 रथियों के साथ युद्ध कर सकता है उसको महारथी कहते हैं, महारथ। तो बलि महाराज अपने आप में भी बहुत बड़े योद्धा थे और ये दिव्य रथ मिला, तो इस दिव्य अलौकिक रथ पर वे चढ़े। उस समय वे बहुत ही सुंदर माला पहने थे जो प्रहलाद महाराज ने पहनाया था, और इसके बाद सन्नह्य ये कवच बांधे, कवच बांध करके धन्वी धनुष लिए, उसके बाद खड़ग लिए तलवार, और धृत इसुधि और इसुधि तरकस बांधे पीछे बाण रखने के, तलवार भी लिए, धनुष बाण कवच सब कुछ पहनकर तैयार हुए। हे मांगद लसद बाहु स्फुरन मकर कुंडल। विश्व विजय के लिए चल रहे हैं बलि महाराज, उसमें सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करते हैं। हेमांगद लसद बाहु, उनके दोनों भुजाओं में सोने के अंगद सुशोभित हो रहे हैं। कंकड़ कहते हैं जो यहां बांधा जाता है, और अंगद कहते हैं जो यहां बांधा जाता है। इस पर मुझे एक बात याद है कि वास्तव में जो वक्ता होता है केवल मुंह से कथा नहीं कहता है, वो हाथ से भी कहता है, सिर से कहता है। मैं बोल रहा हूं कि वो यहां बांधता है, लेकिन इस ऑडियो टेप में वो आएगा नहीं कि यहां का क्या अर्थ है। यहां मैं हाथ से कथा कह रहा हूं, इसलिए डायरेक्ट सामने बैठकर कथा सुनना चाहिए, यही विधि। यहां जो बांधा जाता है बाह के आधे भाग से ऊपर, इसको अंगद कहते हैं, और जो कलाई में बांधा जाता है उसको बाजूबंद या कंकड़ कहते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे थे वे, सोने के समान वे स्वयं भी गोरे थे बलि महाराज, स्वयं भी, और उस पर
सोने का अंगद बांधे और स्फुरित मकर कुंडल मकराकृत कुंडल उनके कानों में झलमला रहा, बहुत सुंदर लग रहे थे। वीर तो थे ही, इसके साथ शारीरिक सौंदर्य से भी युक्त थे। रराज रथमारूढ़ो, रथम आरूढ़, रथ पर आरूढ़ होकर के रराज और बहुत सुंदर लग रहे थे। एक असुर के विश्व विजय का विवरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मन में बात है कि बलि महाराज तो महाभागवत है, तो रराज विराजमान हो रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। भीष्म स्थल व हव्यवा, जैसे किसी कुंड में अपने स्थान में अग्नि प्रदीप्त हो ऐसा लग रहे थे। रथ जो था वो जल के कुंड की तरह लग रहा था और बलि महाराज अग्नि की लपट के समान ऐसे चमक रहे। सोने का कुंड हो और उसमें आग जल रही हो तो उसकी जो शोभा होगी, कुंड भी पीला पीला और आग भी पीला पीला, तो इस तरह से बलि महाराज चमक रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी यहां दृष्टांत देते हैं, उपमा देते हैं, जैसे भीष्मस्थ यज्ञ कुंड में अग्नि शोभित होता है, इस तरह से बलि महाराज शोभा दे रहे हैं। और इसके साथ ही आप अकेले नहीं थे, तुल्य स्वर्ज बल श्री भी स्वजूथ है दैत्य जूथ पही विबद्धि भी व खम भी दहद भी पर भी, उनके ही समान बलवान और सुंदर जसस्वी असुरों के साथ भी घिरे हुए थे। अकेले बलि महाराज नहीं बलवान थे, इनके समान ही और भी बड़े बड़े बलि थे जो इनके साथ चल रहे थे, इनके सेनापति, और वे लोग ऐसे देख रहे थे, दृष्टि से लगता था कि आकाश पी जाएंगे, इतना उत्साह था उन असुरों में। ये सब मारे गए थे, हराए गए थे देवासुर संग्राम में, लेकिन इसका अर्थ यह है कि इस बार भृगु जी ने जब शुक्राचार्य ने जीवित किया तो अन्य असुरों का भी बल बढ़ाया, उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। तो ऐसा लगता था कि वे लोग आंखों से आकाश को पी जाएंगे। पिबंद भी रिवर खम दृग भी दहद भी पर भी रिवर, आंखों से ऐसे उत्साह से देखते थे असुर कि लगता था कि दिशाओं को जलाकर राख कर देंगे, अर्थात समस्त दिशाओं में जितने लोग हैं सबको भस्म कर देंगे। इतना तेज था उन असुरों में और उनसे बलि महाराज घिरे हुए। ब्रितो ब्रितो विकर्षन महतीम आसुरीम ध्वजनीम विभु जय इंद्रपुरीम सुरिद्धाम कंपयन निवरोदशे। सुमहतीम आसुरीम ध्वजनीम विकर्षन, तो अपने सेनापतियों से घिरे हुए थे, वे भी अपने अपने वाहनों पर थे, उस विशाल ध्वजनी को सेना को लेकर बलि महाराज गए। अमरावती जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा समझिए ऑफिस है, देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ इस विश्व की व्यवस्था देखते हैं, शासन करते हैं, अमरावती कहते हैं, सबसे सुंदर नगर इस ब्रह्मांड में वही है। तो वहां पर चढ़ाई कर रहे हैं, सेना को ध्वजनी कहते हैं, क्योंकि रथ जितना रथ रहता है उस पर भी झंडा रहता है, ध्वज रहता है, जितने सैनिक रहते हैं सब ध्वज लिए रहते हैं, हमारा झंडा झुक नहीं सकता है, तो सभी ध्वज लिए रहते हैं, इसलिए सेना को ध्वजनी कहा जाता है, जो ध्वजा से युक्त हो ध्वजनी। उस विशाल सेना को लेकर के गए कहां, इंद्रपुरी, इंद्र की नगरी में गए। इंद्र की नगरी के पास पहुंचे और चारों तरफ से नगर को घेर लिए, सेना को इस तरह सजाए। इंद्र नगरी के कई बड़े बड़े द्वार थे जिनसे देवता लोग निकला करते थे, तो चारों तरफ से घेरने का अर्थ यह था कि
समस्त द्वारों को वे घेर लिए और घेर कर कुछ दूर से ही, और इसके बाद शंख ध्वनि किए चैलेंज देने के लिए कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं और आप लोग आ जाइए। देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी, अतः देवता निश्चिंत हो गए। वे सोच रहे थे कि हमारे सारे शत्रु मर चुके हैं, बलि मर चुके हैं और ये हो चुका है, अब उनका साहस नहीं होगा कि वे हमारे पास आ सकते हैं। तो देवता सब अच्छा खाना पहनना भोगों में रहना इसी में लग गए, और असुर इधर यज्ञ कर रहे हैं। देखिए तो जो व्यक्ति यज्ञ करेगा, दान करेगा, इस तरह से ब्राह्मणों की वैष्णवों की सेवा करेगा तो क्यों नहीं वो जीतेगा, और देवता होकर भी वे भोगों में पड़ गए। जब मनुष्य की विपत्ति दूर होती है तो संकट का दिन भूल जाता है और केवल भोग में देवता लोग रहने लगे, और असुर सब इधर भगवान का भजन कर रहे हैं। तो देवताओं के हारने का समय आ गया। तपस्या से व्यक्ति महान बनता है। वास्तव इंद्रपुरी में गए, लगता था कि दिशाएं कांप रही हैं बलि महाराज के भय से। तो स्वर्गपुरी का, इंद्रपुरी का वर्णन किया जा रहा है। 11.5 श्लोकों में श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वर्ग का वर्णन किए हैं, खास करके इंद्रपुरी का। तो यहां एक प्रश्न उठता है कि इंद्रपुरी का वर्णन क्यों किया जा रहा है। उसका कारण है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, धिक्कार है ग्राम्य सुख को कि देवताओं को भी अकस्मात अपना घर छोड़ना पड़ गया, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ गया, इसलिए स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, यह भी क्षणिक है, नस्वान। बलि महाराज से बिना युद्ध किए ही देवता भाग जाएंगे, इतना प्रताप बढ़ा था बलि महाराज, इसलिए स्वर्ग का वर्णन पहले कर रहे हैं। रम्याम उपवनोद्याने श्रीमद्भिर नंदनादिभिर। इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग उपवनों और उद्यानों से अतिशय रम्य है। रम्य का अर्थ है देखने लायक, घूमने योग, रमण करने योग, देखते ही चित्त आनंद से उल्लसित हो जाता है, ऐसा है वो नगर, वो नगरी ऐसी है। किसी भी नगर की शोभा वास्तव में उपवन से और उद्यान से। उपवन फल प्रधान वन को कहते हैं, वृक्षों को, और उद्यान पुष्प प्रधान वाटिका को कहते हैं। तो फल के भी वृक्ष खूब हैं वहां, और ऐसे ऐसे फल हैं कि एक फल अगर तौला जाए तो बंबई में जितने फल हैं वो एक बार एक पलड़े पर हो जाएंगे, उधर एक फल, इतने बड़े बड़े, और छिलका गुठली बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र का है, केवल जूस ही जूस रहता है। वास्तव पंचम स्कंध में वर्णन, तो वह इंद्रपुरी बहुत ही शोभित होती है, बहुत अच्छी लगती है। नंदन वन आदि वन है वहां, नंदन वैभ्राजक चित्ररथ सर्वतोभद्र, ये 4 वन है, बहुत सुंदर वाटिका जिनमें केवल देवताओं का ही प्रवेश है, मनुष्य की तो कोई कल्पना ही नहीं। मनुष्य लोग से कोई कोई गए हैं, जैसे अर्जुन गए थे या कर्दम मुनि गए थे, महाराज मुचकुंद गए थे, बहुत कम जाते हैं। ये शरीर बदल करके जाते हैं देवता बन करके, तब उस सेवन करने को मिलता है। तो सबसे पहली शोभा का वर्णन किया जा रहा है कि वहां बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बगीचे हैं, फल के बगीचे और पुष्प के बगीचे। पूजक विहंग मिथुनर गायन मत मधुव्रत, उन उपवनों में उद्यानों में
कूजते हुए पक्षी रहते हैं, सब प्रकार के मंगलमय पक्षी रहते हैं, कौवा तो वहां है ही नहीं तय तय करने वाले। ये लिखा गया है शास्त्रों में, सबसे उत्तम श्रेणी के पक्षी वहां रहते हैं और वे कूजते रहते हैं। पक्षी जब आनंद में रहते हैं तो वे कूजते हैं, बोली बोलते हैं, सब कुछ कूजते रहते हैं, सुखी हैं। और गायन मत मधुव्रते, और भौंरे पुष्पों का पराग ले लेकर के मतवाले रहते हैं आनंद में, वे भनभन भनभन गाते रहते हैं। प्रवाल फल पुष्पो रूभार शाखा अमर द्रुम है, वहां अमर द्रुम है कल्प वृक्ष, यहां जैसा कंटीला बबुल भरा हो ऐसा नहीं है। तो राजस्थान में देखे बस ये कहीं वृक्ष कल्प वृक्ष बचा हुआ है, केवल बबूल बबूल और कोई वृक्ष नहीं है उधर। लेकिन स्वर्ग में इसकी पहुंच नहीं है, वहां अमर द्रुम में कल्प वृक्ष रहते हैं, और प्रवाल के भार से, फल के भार से और पुष्प के अपसय भार से झुके रहते हैं। भर शब्द तीनों में लग जाता, प्रवाल भर, फल भर, पुष्प भर, उरु भर, बहुत अधिक फले रहते हैं, बहुत अधिक पुष्पित रहते हैं, और प्रवाल कोमल कोमल पत्ते उनमें रहते हैं, भरे रहते हैं हमेशा, पतझड़ नहीं होता है वहां, कोई वृक्ष कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा नवीन रहता है उन बगीचों में, भगवान ने ऐसा बनाया है उसको। लेकिन वह भी सुख है क्षण भंगुर है, वहां से हटना पड़ता है, स्वर्ग तो रह जाता है लेकिन कई सेठ देवता बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा है बड़ी बड़ी ऑफिसें वही रह जाती हैं लेकिन ऑफिसर्स बदल जाते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। इस तरह से स्वर्ग रहता है बहुत काल तक लेकिन बीच बीच में बदलाव होता है। अब वर्णन कर रहे हैं कि उस इंद्रपुरी में स्वर्ग में बहुत सी नलिनियां हैं, नलिनियां का अर्थ है छोटी छोटी छोटे छोटे सरोवर जिनमें हंस, सारस, चक्रवाक और कारंडव तैरते रहते हैं। ये जल पक्षियों का वर्णन किया जा रहा है, हंस, सारस, चक्राह और कारंडव। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इन पक्षियों को देखा होगा, लेकिन इस लोक के जो पक्षी पक्षी हैं इनसे वो दूसरे क्वालिटी के पक्षी होते हैं, जाति वही है लेकिन फिर भी वे दूसरे भिन्न तरह के होते हैं। वहां के वृक्ष का साइज, फल आदि सब दिव्य है, पक्षी भी उसी तरह से हैं। और नलिनियों का वर्णन किया जाता है, क्रीडंती प्रमद, नलिनियों जत्र क्रीडंती प्रमदा सुरसेवता। श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उन सरोवरों में, छोटी छोटी तलाइयों में प्रमदाएं क्रीड़ा करती रहती हैं, जल विहार करती रहती हैं, मतलब देवताओं की स्त्रियां अप्सराएं उन जलों में विहार करती हैं। प्रमदा सुर सेविता, देवताओं के द्वारा सम्मानित, देवताओं के द्वारा सेवित वे स्त्रियां उन सरोवरों में विहार करती। इसके द्वारा यह सूचित किया जा रहा है कि स्वर्ग में कोई दुख नहीं है इस प्रकार का जो हम लोगों के लोक में है। देवताओं की स्त्रियां हैं तो ऐसा नहीं कि उनको अब कोई काम करना है या और कोई दिक्कत है, वहां एक भी हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं, कोई बीमार पड़ता ही नहीं, वहां किचन नहीं है क्योंकि वहां पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप दिव्य अमृतमय फल आदि मिलते रहते हैं।
पकाया नहीं जाता, वहां अस्पताल नहीं है, श्मशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उपलक्षण बताया जा रहा है कि वहां की स्त्रियां केवल स्विमिंग करती रहती, उनको कोई काम नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, टेंशन नहीं है, जब मन करे तब तैरती रहती, खेलती रहती, क्रीड़ंती जत्र प्रमदा। स्वर्ग के सुख का वर्णन किया जा रहा है। जब आदमी सुख में रहता है तब क्रीड़ा करता है। सुर सेविता का अर्थ है कि उनके साथ देवता भी रहते हैं, तो वे सरोवरों में क्रीड़ा करते रहते हैं। आकाश गंगया देव्या वृतम परिखभूतया, वह स्वर्ग आकाश से गंगा, आकाश में जो गंगा जी हैं बहती हैं, बाद में पृथ्वी पर आती हैं, तो गंगा जी इंद्रपुरी के चारों तरफ परिखा के रूप में हैं, खाई के रूप में गंगा जी बहती हैं, और गंगा जी के दोनों तट पर बैदुर्ज मणि के घाट बने हुए, कहीं भी धूली या कीचड़ का नामो निशान नहीं। जब बैदुर्ज मणि और मरकत मणि की भूमि बनी हुई है और चारों तरफ उस इंद्रपुरी की गंगा जी बहती है बहुत चौड़ी, इस तरह से वो सुंदर नगर है। प्राकारेण प्राकारेण अग्निवर्ण है ना, और जो प्राचीर है नगर के चारों तरफ वो अग्निवर्ण का है, मतलब सोने का है, सोने की चहरदीवारी बनी हुई है, चमचम चमकती रहती है वो चहरदीवारी, इसीलिए अग्निवर्ण कहा जा रहा है। यहां पर ऐसा नहीं कि ईंट और पत्थर और सीमेंट से चहरदीवारी बना दी गई है और मानते हैं बहुत अच्छा चहरदीवारी, वो अभी टूटा रहता है। लोग ईंट से बनाते हैं वो भी कहीं कहीं टूटा रहता है, और स्वर्ग की इंद्रपुरी की जो चहरदीवारी है वो चमचम चमचम अग्नि की तरह चमकता रहे, और उस चहरदीवारी के ऊपर बहुत से ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, उनको युद्ध कक्ष कहा जाता है। चहरदीवारी बनती है तो ऐसा मत समझिए कि वो केवल एक दीवार मात्र बनती है, एक बाउंड्री लेकर के घर जैसा चारों तरफ बनता है, उसके ऊपर अट्टालिकाएं बनाई जाती हैं और उसमें अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं कि कोई शत्रु आवे तो उसी गुंबद से ऊपर से ही आघात किया जाए उसको अट्टालिका पर। देवताओं के लोक में भी खतरा है इस बात का, कभी कोई चढ़ाई कर सकता है। तो इसलिए वो लोग बना करके रखे, युद्ध का खतरा है। और रूप में पट्ट कपाटश्च द्वारा स्फटिक गोपुर, कहीं कहीं गोपुर हैं, बड़े बड़े गेट नगर में प्रवेश करने के, उनके कपाट कैसे हैं, कपाट तो वज्र के बने हैं लेकिन सोने से भी मढ़े गए, पट लगाए गए जैसे ऐसे बेत लगाते हैं तो सोने के सब लगाए गए, सोने से मढ़े गए, बड़े बड़े कपाट जगह जगह बने हुए हैं, सोने से मढ़े गए हैं, और दीवारें बनी हुई है स्फटिक मणि की। जुष्टाम विभक्त प्रपथाम विश्वकर्म विनिर्मिता, और सारे प्लान पूर्वक वो नगर बनाया गया है, कौन रास्ता किधर खुलेगा, किधर जाएगा, यहाँ क्या बसाया जाएगा, बहुत सुंदर ढंग से बसाया गया है। हमारे भारतवर्ष में तो लोग बसते जाते हैं सड़क बाद में सोचते हैं, जो जिसका जहाँ मन किया बसता गया और बाद में सोचते हैं कि सड़क कैसे निकलेगी, तो ये नौबत आ जाती है कि तब घर ढाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। कितना गंदा है बंबई नगर, अब जो स्वर्ग की याद आ रही है तो कुछ इसकी याद आ रही।
इंद्रपुरी इंद्रपुरी है वास्तव में, सब कुछ स्वच्छ है, सोना चांदी रत्न से जड़ा हुआ, और उसके प्लानर कौन है, मिस्त्री कौन है, विश्वकर्मा जी। ये विश्वकर्मा जी माता अदिति के पुत्र है, इंद्र के भाई है, द्वादश आदित्य में से एक है। इनके प्लान से, इनके अंदर काम करने वाले मिस्त्री सब बनाए हैं। कोई वहां भट्ठा लगा करके चिमनी और ईंट नहीं गई है, केवल रत्न से बना हुआ और नगर सजाया गया है। इस तरह से विश्वकर्म विनिर्मितम, बनाने वाले सबसे बड़े शिल्पी विश्वकर्मा जी हैं। सभा चत्वर रथाढ़्याम आढ़्याम, उस सुसंपन्न है नगर पुष्ट से सभा से, स्थान स्थान पर सभा भवन बनाए गए। कभी कभी देवता बैठते हैं विश्व की व्यवस्था देखने के लिए, तो आपस में विचार करते हैं, मीटिंग हॉल बना हुआ जगह, और जोन बटा हुआ है कि इतने क्षेत्र में एक बनेगा सभा हॉल, वहां बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, सब कुछ प्लान करके बसाया गया है। और सभा चत्वर, और चत्वर का अर्थ है आंगन, आंगन का अर्थ होता है घर के पास पूरा खुला मैदान, कंजस्टेड नहीं। एक एक देवता का भवन है तो पूरा उसको आप बंगला नहीं कह सकते हैं, बंगला तो फिर भी थोड़े स्थान में होता है, पूरा एक नगर जैसा ही एक देवता के लिए रहता है। उसके बाद चारों तरफ खुला है, उसको आंगन कहते हैं। अपने घर के अधिकार में होता है आंगन या अंगन का। और रथ्या, रथ्या का अर्थ है जहां पर रथ आसानी से चल सके, अर्थात राजमार्ग, बड़े बड़े मार्गों को रथ्या कहा है। सब बसाए गए विमानैर निर्बुदैर वृता, और उस स्वर्ग में विमान भरे पड़े हैं। वास्तव में जितने भवन हैं सब विमान पर ही रहते हैं, आकाश में कितने विमान हमेशा उड़ते रहते हैं स्वर्ग में, 10 करोड़ कम से कम। ये गिनती के लिए निर्धारण किया गया है, इसका अर्थ है असंख्य उड़ते रहते हैं। अर्बुद, अरब का अर्थ है 10 कोटि संस्कृत में, 10 करोड़ विमान उड़ते रहते हैं स्वर्ग में, और बिना पेट्रोल के, कोई चला दे किसी मशीन को, ऐसा नहीं। स्वर्ग में जितनी मशीन है सब मन से चलती हैं, संकल्प से, विमान भी संकल्प से चलते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं। उतरने का मतलब वहां हवाई अड्डा नहीं है, वो आकाश में ही रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है एयरपोर्ट और इसकी उसकी, बड़े बड़े विमान। तो 10 करोड़ विमान जहां उड़ते रहते हैं, वो कितना धनी वैभवशाली नगर है। श्रृंगा टकैर मणिमयर वज्र विद्रुम वेद से, और चौराहे मणियों के बने हुए हैं, और नगर के और विमान के अग्रभाग बहुत सुशोभित हो रहे हैं, उन पर ध्वज लगे हुए हैं। अब इतना वर्णन करके स्वर्ग का फिर पुनः स्त्रियों का वर्णन करते हैं। जत्र नित्य वयो रूपा श्यामा विरजवास सह भ्राजंते रूप वर्णार्य अर्च भेदिव बहनय, वहां पर स्त्रियां इतनी सुंदरी हैं, सुंदरी हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि लगता है कि अपने लपटों के साथ अग्नियां हैं, जैसे आग जलती है तो आपने लपट देखा होगा, तो लपट है उनकी साड़ी जैसा दिख रहा है, ये वर्णन करते हैं। और वो अग्नि के समान इतनी सुंदरियां, और नित्य वयोरूपा, वय का अर्थ है तारुण्य यौवन, वो नित्य ज्योति रहती है स्वर्ग में। स्वर्ग का निर्माण ही भगवान ने इस तरह से किया है कि वहां कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री सदा नित्य जवान रहेगा, और
सुकुमार था। तो पूछा जाए, मान लीजिए महाराज परीक्षित पूछे कि अरे कुछ तो बताइए कितनी उम्र के सब रहे, ये बताते हैं श्यामा। श्यामा कहा जाता है 16 साल की स्त्रियां सब समय रहती हैं, इससे अधिक उम्र की होती ही नहीं, चाहे कोटि वर्ष बीते चाहे कुछ भी। जत्र नित्य वयोरूपा, नित्य ही तरुण रहती हैं और नित्य ही सुंदरी सुकुमारी और नित्य 16 वर्ष की बीरज वास सह, उनके वस्त्र अलौकिक हैं। कोई भी स्त्री कभी भी कोई सिकुड़ा हुआ या गंदा कपड़ा नहीं पहनती, बीरज रज तक नहीं है कपड़े पर, बिल्कुल स्वच्छ। और ऐसा मत समझिए कि वहां पर तब लॉन्ड्री में देते हैं धोने के लिए, वस्त्र ऐसे हैं कि उनमें कभी गंदगी आती ही नहीं, ऐसे वस्त्र की क्वालिटी। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे दो दिन पहनने के बाद तो वस्त्र मैले हो जाते होंगे, ये हो जाते होंगे, वो हो जाते, नहीं, वो वस्त्र ही ऐसे हैं कि कभी गंदे नहीं हो सकते। और देवताओं की और देवियों का शरीर ऐसा है कि वो स्वयं ही गंदा कभी नहीं होता, वस्त्र कैसे गंदा होता। वीरज वास सुखदेव गोस्वामी वहां की स्त्रियों के वस्त्र का वर्णन कर रहे हैं। वहां भी सब कुछ है, वस्त्र है, घर है, पर विलक्षण वीरज वास सब। भ्राजंते, बहुत सुंदर लगती हैं स्त्रियां, रूपवत और सर्वदा अलंकृत रहती, सज धज करके रहती है, वहां कोई धन का अभाव नहीं है या अलंकार का अभाव नहीं है, तो अलंकार से युक्त रहती हैं, ऐसे सजी रहती हैं जैसे लगता है कि अग्नियां लपटों के साथ अर्ची के साथ। अब वहां के वायु का वर्णन कर रहे हैं, हवा कैसी है स्वर्ग में। सुरस्त्री केश विभ्रष्ट नौ सौगंधिक स्रजान जत्रा मोद मुपादाय मार्गे आवाति मारुतः, मारुतः आवाति, मारुत बहता है, हवा चलती है, वायु बहता है। कैसा वायु? देवताओं की स्त्रियों के जुड़े में, कबरी में बंधे हुए सौगंधिक कमल के फूल रहते हैं, और इतना ज्यादा वो फूल बांधती हैं और बार बार बांधती रहती हैं, और फूल गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो स्वर्ग की जो हवा है उस सौगंधिक कमल के सुवास से युक्त, बगीचों से जो सुगंध आती है वो तो आती ही है, स्त्रियों के केश से भी भ्रष्ट पुष्पों की सुगंध से वो स्वर्ग भरा पड़ा। हवा जब आती है तो कमल की सुगंध लेकर आती है या किसी पुष्प की मालती की सुगंध लेकर आती है। कहां सबसे ज्यादा पुष्प यूज होता है? स्त्रियों का श्रृंगार करने में, स्वर्ग में। इसीलिए यह कहा गया है, हम लोगों ने देखा है आज भी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में स्त्रियां अपने जोड़े में पुष्प धारण करती हैं, बहुत बड़ी खपत है पुष्प की, शायद उतना ड्यूटी को भी नहीं चढ़ता होगा, है ना। अगर उनका रोज रोज का खर्चा जोड़ा जाए पुष्प धारण करने का, तो ड्यूटी तो कहीं कहीं है, स्त्रियां तो घर घर में है। तो यही सिस्टम है, तो स्वर्ग में यही चलता है। हो बहुत देखिए शब्द इस तरह से, सुर स्त्री केश भी भ्रष्ट, देवताओं की स्त्रियों के केश से विशेष रूप से भ्रष्ट गिरे हुए पुष्प चारों तरफ रहते हैं, और उनकी सुगंधित जो मालाएं होती हैं उस पुष्पों की मालाएं गिरी हुई रहती हैं, उनके आमोद को उपादाय लेकर, उनके आमोद को सुगंध को लेकर के मारुतः आवाती, हवा चलती। इसका अर्थ है कि हवा सुगंधित है,
बहुत सुंदर गंध। इस तरह से स्वर्ग के वायु का वर्णन किया गया। अब वर्णन करते हैं उस देवलोक में कितनी अगरबत्तियां जलाई जाती हैं और उसके कारण बादल छा जाते हैं। वर्णन कर रहे हैं, हेम जालाक्ष निर्गच्छ धूमेना गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रियः। सोने की खिड़कियों से गवाक्ष से श्वेत वर्ण का धुआं निकलता है, बिल्कुल उजला धुआं, काला नहीं, पांडु श्वेत वर्ण का धुआं निकलता है, अगुरु का धुआं, शुद्ध अगुरु का, और इस कारण से आकाश में बादल जैसे छा जाते हैं और उन बादलों की छाया में सुरप्रिय देवताओं की स्त्रियां चलती हैं, मतलब उनको छत्ता लगाना नहीं पड़ता है, ऊपर धुआं छाया रहता है, वो धुआं आंख में लगता नहीं है, काला नहीं होता है। हम लोग कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए कि इधर के फैक्ट्री जैसा धुआं काला कर देता होगा या ये कर देता, बिल्कुल श्वेत वर्ण का धुआं निकलता है सुगंध, और इतना छाया रहता है कि देवताओं की स्त्रियां उसी छाया में चलती हैं, जिसके द्वारा यह भी वर्णन हुआ कि देवताओं की स्त्रियां इतनी सुकुमारी हैं कि वे धूप में नहीं चल सकती। यद्यपि स्वर्ग में सम शीतोष्ण है, वहां सारा लोक ही एयर कंडीशन है, फिर भी उस घाम को भी नहीं सहती, जब बादल जैसा धुआं छाता है तो उसके भीतर चलती रहती। यहां वर्णन किया जा रहा है। और मोती की झालरें जिन बितानों में लगी हैं वो जगह जगह तने हुए, कोई भी घर या द्वार ऐसा नहीं है जहां पर बितान न ताना गया हो, बितान तने हैं और उसमें मोतियों की मालाएं लटकी हैं और सोने के केतु झंडे लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के पताका और विमानों के अग्रभाग शोभित हैं, पक्षियों में कौन कौन भवनों पर कूजते रहते हैं, शिखंडी पारावत भृंग नादितान, वह नगरी मयूरों से नादित है, मयूर जहां तहां बोलते रहते हैं, और पारावत कबूतर तथा भौंरे, ये तीन पक्षी ऐसे हैं जो ज्यादा बोलते हैं, तो इनके नाद से नादित। वैमानिक स्त्री कलगीत मंगलान, और देवताओं की स्त्रियों के मधुर कंठ से हमेशा गीत होता ही रहता है। उस स्वर्ग में नाचना गाना खाना के अलावा कोई काम ही नहीं है दूसरा वास्तव, तो देवताओं की स्त्रियां गाती रहती हैं, जब व्यक्ति आनंद में होता है तो गाता रहता है, तो स्वर्ग में केवल सुख ही सुख है, गाती रहती है गाती रहती है। यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि देवताओं की स्त्रियां भगवान का गीत गाती हैं, और चीज वर्णन नहीं करती, और अन्य स्थानों पर यह बात आई हुई, हमेशा झूला झूलती हैं गाती हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई श्रम नहीं, परिश्रम नहीं, थकावट नहीं है, पसीना नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, केवल सुखमय जीवन है। इस तरह से ये वर्णन कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ बाजे बजते रहते हैं, मृदंग शंखा नकदुंग भी स्वनही सताल वीणा मुरजष्टि वेणु भी नृत्य सबाद्य रूपदेव गीत कैर मनोरमम स्वप्रभयाजित प्रभा। मृदंग बजते रहते हैं, शंख बजता है, नगाड़े दुंदुंधिया वीणा मुरज रिष्टि वेणु ये सब सताल ताल के साथ बजते हैं, जैसे बेढंगा नहीं पीटा जाता है, ताल के साथ बजते हैं, देवता लोग गाते रहते हैं बजाते रहते हैं, और उपदेव गीत कही गंधर्व वहां गाते हैं, गंधर्वों को उपदेव कहते हैं, देवता है लेकिन थोड़ा उनसे कम दर्जे के हैं इसलिए उपदेव कहा जाता है,
तो गंधर्व गाते रहते हैं, बाजे बजते रहते हैं, नृत्य सवाद्य, जहां देखिए वहां बाजा बज रहा है और देवता देवियां नाच रहे हैं। इधर तो कभी कभी कोई आयोजन करके कोई नाचता है, और नाच भी क्या करता है, केवल शरीर हिलता भर है, नृत्य कला मालूम नहीं। मैं देखा था एक बार भगवती जागरण में, हम लोग आ रहे थे कहीं से, तो यहां देखा कुछ स्त्रियां नाच रही थी, तो केवल दाएं बाएं दाएं बाएं, बस कोई कला मालूम नहीं, ऐसे कर रहे हैं। और वो अभी कुछ ही दिन, लेकिन देवताओं की स्त्रियां का तो जब देखिए तब नृत्य चल रहा है, गान चल रहा है, भगवान का जस गाया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वह शोक प्रभया, वह नगरी ऐसी है कि अपने प्रभा से प्रभा को भी जीत लिया, प्रभा एक देवी है, स्वयं कांति को भी उसने जीत लिया, इतनी सुंदरी नगरी। इस बात का वर्णन सुनने पर अवश्य श्रोताओं के मन में वहां गंगा जी के तट पर इच्छा होती होगी कुछ की, भाई हम भी स्वर्ग जाते। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कौन कौन लोग वहां नहीं जा सकते हैं, पहले ये बात बता रहे हैं। यामना ब्रजंत धर्मिष्ठा खला भूत द्रुह सठा मानिन कामिन लुब्धा ये भीर हीना ब्रजंत जट जन जाम न ब्रजंत। उस इंद्रपुरी में वे लोग नहीं जा सकते हैं कभी भी, कौन अधर्मिष्ठा, जो अधार्मिक, जो धर्म का पालन नहीं करते अर्थात पाप करते हैं, पाप करते हैं, मांस मदिरा खाते रहते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, वे दुष्ट तो स्वर्ग का मुख कभी नहीं देखे। एक बार मैं वर्णन कर रहा था इस श्लोक का, तो एक भक्त पूछा कि तो ये लोग जाएंगे कहां। मैं कहा नरक किसके लिए है, जाएंगे क्या, स्थान की कमी है, जाएंगे लोग जहन्नम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। अधर्मिष्ठा, धर्म के चार चरण हैं, दया शौच सत्य तप, इसे जो विहीन है, पाप करते हैं, पाप करके जी रहे हैं, तो वे नहीं जाएंगे स्वर्ग। कहां जाएंगे इसका वर्णन सुखदेव जी नहीं कर रहे हैं, यहां स्वर्ग में वो नहीं जाएंगे। और कौन नहीं जाएंगे, खला, खला का अर्थ होता है जो सदा दूसरों को दुख देते, खल नहीं जाएंगे, दूसरों को सताने वाले नहीं जाएंगे। और भूतद्रुह का भी वही अर्थ होता है, लेकिन खल में और भूतद्रुह में थोड़ा सा अंतर है। खल का अर्थ होता है कि अपना बिगाड़ करके दूसरों का बिगाड़ने वाले, अपना नुकसान करके दूसरे का नुकसान करते हैं, और भूतद्रुह जो जीवों को सताते रहते हैं। और सठा, सठा का अर्थ है वंचक, जो दूसरों को धोखा में डालते रहते हैं, चीटर, जो हमेशा दूसरों को ठगते रहते हैं, धोखा में डालते हैं, वे वहां नहीं जाएंगे। और मानिन, जो अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, मैं धनी हूं, मैं सुखी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। और कामिन, कामी लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, जो बहुत विषय वासना में भोगों में पड़े नहीं जाएंगे। तो अभी जो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा ये सोचेगा कि मैं भी स्वर्ग जाता, तो उसके अंदर तो कामना है, वो जाएगा ही नहीं। जो लोग वहां जाते हैं वो दान करने से, त्याग करने से, यज्ञ करने से जाते हैं, भगवान की भक्ति करके जाते हैं, कामिना कहते हैं। और अंत में कहते हैं लुब्धा। एक प्रश्न होता है कि भाई कामी तो इस संसार में सब है, कोई ना कोई कामना है, और जिसको काम है मन में वो कामी है, तो कामी तो सब हैं। तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं लुब्धा,
कामना की पूर्ति होने पर भी जिनको संतोष नहीं होता है और की इच्छा रहती है वे लोग वहां नहीं जाएंगे। लुब्धा लोभी नहीं जाएंगे। जितना चाहते थे उतना प्राप्त हो गया, फिर भी और इच्छा बढ़ गई, उसको लोभ कर। तो लोभी स्वर्ग का दरवाजा नहीं देखेंगे। ये भी हीना ब्रजंत, इन सब दोषों से जो हीन है वो लोग जाते हैं वहां। ये तो स्वर्ग का वर्णन हुआ। ऐसे सुखी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को अकस्मात बिना नोटिस के, बिना पूर्व सूचना के छोड़ देना पड़ा पूरा। कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, गुजारा करेंगे, कोई ठीक नहीं। यह है भगवान की लीला। अभी स्वर्ग का वर्णन हो रहा था, ये सारे देवता वहां के निवासी हैं, लेकिन एक क्षण में ही सारा छोड़ देना पड़ा, भाग जाना पड़ा। इस तरह से स्वर्ग क्षण भंगुर है, अनित्य है, इसलिए स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। इसी कारण से स्वर्ग का वर्णन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, नहीं तो स्वर्ग का वर्णन करना सुखदेव जी का उद्देश्य नहीं है। हम लोग कभी स्वर्ग की कामना न करें, वास्तव में वहां भी जीवन अनित्य है, उसे भी छोड़ना पड़ता है। छीणे पूर्णे मर्त लोकम विषमति। तो स्वर्ग का वर्णन करके अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ताम देव धानिम सबरूथिनी पतिर बही समंता तुरुर्धे प्रतन्यया। तो उस देवधानी को, देवताओं की राजधानी इंद्रपुरी को घेर लिया चारों तरफ से बलि महाराज ने सेना के द्वारा। और आचार्य दत्तम जलजम महासवनम दधमौ, और अपने आचार्य शुक्राचार्य के द्वारा दिया हुआ वो शंख जोर से बजाए। उस शंख की जब ध्वनि किए तो इंद्र आदि देवताओं का दिल दहल उठा और स्त्रियां भयभीत हो गई। पता चल गया कि कोई शत्रु आ गया, चैलेंज कर रहा है। अब तक तो ये भोगों में पड़े हुए थे, केवल नाच गान में लगे थे। कभी सोचे भी नहीं थे कि ये हमारे ऊपर इतना संकट आ जाएगा, लेकिन आ गया। बलि महाराज ने शंख बजाया, इसके साथ साथ उनके अन्य सैनिकों ने। प्रयुंजन भयमिंद्र जो सीतान, इंद्र की पत्नियों को बहुत भय हो गया। अब तो अकस्मात सुख विहार में बाधा पड़ गई, तो कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है। इतना बड़ा साहस कि जो स्वर्ग में आ जाए और यहां से आक्रमण करे, तो भय उत्पन्न होने की सहज संभावना है, क्योंकि शत्रु प्रबल है, बलवान है, वो कहीं भी स्पेस में यात्रा कर सकता है, तब तो आया है स्वर्ग में। इंद्र की जो सीताओं के मन में बहुत बड़ा भय हो गया, तुरंत ही इंद्र सावधान हो गए और देवताओं से मिले, अपने भाई वरुण देव से और सबसे, और तुरंत समझ गए। चर भेज करके उसने बताया कि बलि ने आक्रमण किया है आपके नगर, वो आ चुका। और ये वही बलि जो मर गया था, और वही दैत्य जो बुरी तरह से परास्त हुए थे, वे सब चढ़ आए। तो बलि महाराज के तेज को देखने लगे इंद्र भगवान अपने ऊंचे घर से, छिप करके देख रहे थे। लेकिन देखे तो वे सूरज की तरह चमक रहे थे, बलि महाराज सूरज की तरह चमक रहे थे, और उनकी विशाल सेना को, उत्साह को, सबको देख करके बहुत भयभीत हो गए इंद्रदेव। और समस्त देवताओं के साथ वे बृहस्पति जी अपने गुरु के शरण में गए और जाकर के अपने गुरु जी से कहते हैं, थर थर कांपते हुए भगवान इंद्र कहते हैं, भगवान उद्यमो भूयान बलेर्न पूर्व वैरिण अविषहिम मन्ने के नासी तेजसोर्जिता। हे भगवान, हे गुरुदेव, हे सर्वज्ञ शिरोमणि, हमारे पूर्व बैरी, हमारे पूर्व के शत्रु, पहले से ही शत्रु बलि का यह उद्यम, युद्ध की तैयारी,
मैं अविषय मान रहा हूं, मैं मान लिया कि इनके साथ युद्ध करने की हम लोगों में शक्ति नहीं है। यदि हम युद्ध करते हैं तो लगता है कि हम परास्त होंगे और प्राण से भी हाथ धोना पड़ेगा, इतना तेज बढ़ गया। उनको दिखाए, अपने गुरु बृहस्पति जी को ले जाकर के उत्तुंग महल पर से दिखाए कि देखिए बलि का तेज कैसा बढ़ा हुआ, और इनकी तैयारी सेना की देखिए, चारों तरफ घूम घूम करके देख रहे हैं, नगर पर इतना बड़ा संकट आ गया। तो कहते हैं बलि का जो ये उद्यम है युद्ध की तैयारी, अविश्वसनीय इमम मन में, मैं तो ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए इसका सामना करना बहुत कठिन है। केनाशित तेजसोर्जित, किस कारण से बलि का तेज इतना बढ़ गया है हमें इसका पता नहीं है, आप कृपा करके बताइए किस कारण से इनका तेज बढ़ा हुआ है। नयनम कश्चित कुतो वापी प्रतिबेढ़ुमधीश्वर, बलि के पराक्रम को विफल कर सके ऐसा मैं इस संसार में किसी को नहीं देख रहा हूं। कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाय से बलि का सामना नहीं कर सकता, कोई समर्थ नहीं है। देखिए देखिए लगता है कि बलि अपने मुख से इस विश्व को पी जाएगा, अपने जिह्वा से दसों दिशाओं को चाट जाएगा, और अपने दोनों नेत्रों से लगता है कि सभी समस्त दिशाओं को जला देगा, इतना तेज बढ़ा हुआ है। सांबर ताग्नि रिवोत्थित, जैसे प्रलयकालीन अग्नि होती है, प्रलय काल में जैसी आग लगती है वैसे बलि का तेज बढ़ा हुआ है। हम क्या करें, आप हमें उचित परामर्श दीजिए। और ब्रूही कारण में तस्य दुर्धर्षत्वस्य मद्रिपो, मेरे शत्रु की ये दुर्धर्षता, इतना बड़ा प्रभाव किस कारण से हुआ है, किस कारण से ओज बढ़ा है, इंद्रियों में बल, मनोबल, शरीर में बल और तेज, क्या करने से बलि को प्राप्त हुआ है, हम क्या करें कि इनका सामना करें, कैसे जिए, क्या करें, हम आपकी शरण में हैं, आप बताइए। तो अब देखिए बृहस्पति जी बता रहे हैं, देवताओं के गुरु, क्यों बलि का तेज बढ़ा हुआ है। गुरु रुवाच, बृहस्पति जी को गुरु कहते ही हैं, गुरु बार चलते हैं, बृहस्पति बार, गुरु बार, गुरु शब्द से बृहस्पति जी सूचित। बृहस्पति जी कहते हैं जानामि मघवन शत्रु रुनत्ते रस्य कारणम, हे मघवन इंद्र, अस्य शत्रु उन्नत्ते कारणम जानामि, मैं इस शत्रु के इन बलि के उन्नति का कारण मैं जानता हूं। जानामि शब्द यह बात सिद्ध कर रहा है कि तुम नहीं जानते, तुमको पता नहीं है, मैं जानता हूं कि बलि का तेज क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों इतने इतना उत्साह। तो ठीक है बताइए, जानते हैं तो कारणम जानामि तरिब्रूहि। तब कहते हैं शिष्यायोपभृतम तेजो भृगुभिर् ब्रह्मवादिभि, वेदों के परम विद्वान भृगुवंशी शुक्राचार्य आदि ब्राह्मणों ने अपने तेज को, अपने प्रभाव को अपने शिष्य में रख दिया है। तुम ऐसा समझो कि शुक्राचार्य का जो भी तेज है वे अपने शिष्य में रख दिए। यह बलि का अपना तेज नहीं है, यह ब्राह्मणों की कृपा है, गुरु की कृपा है। एक प्रकार से बृहस्पति जी व्यंग कर रहे हैं, तुम कदाचित ऐसा सीख लेते, तुम तो हमको एक बार सभा में प्रणाम भी नहीं किए, और दूसरा गुरु बनाए विश्वरूप तो उनको कत्ल ही कर दिए, तो तुम में कैसे तेज बढ़ेगा। बलि ने अपने गुरु की सेवा किया है और गुरु की कृपा से उनका तेज बढ़ा। सीधा उत्तर गुरु जी उत्तर दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खोल करके नहीं कहे कि उन्होंने सेवा किया, ये किया, इतना ही इंद्र समझ जाते, काफी था। तो अपने शिष्य में शुक्राचार्य आदि ब्राह्मणों ने अपना तेज रख दिया है,
उपभृत, तुम यही समझो कि बलि में शुक्राचार्य उतर गए, सारा तेज उनमें है, ब्रह्म तेज है, और ठीक कहते हो कि इनका सामना कोई नहीं कर सकता। भवद विधो भवान वापी, तुम्हारे जैसा कोई दूसरे वीर या तुम भी बलि के सामने उसी तरह नहीं ठहर सकते हो जैसे कृतांत के काल के सामने प्राणी नहीं ठहर पाते, मृत्यु के सामने प्राणी नहीं टिक पाते, ऐसे तुम नहीं टिक पाओगे। केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके और कोई इनके सामने नहीं टिक सकता है, भगवान को छोड़ करके और कोई भी बलि को नहीं परास्त कर सकता है। इतनी बड़ी बात कह दी, कदम भवद विधा भवान वापी वर जयते स्वरम हरिम, ईश्वरम हरिम वर जयित्वा, एक ईश्वर हरि को वर्जन करके छोड़ करके बाकी तुम्हारे जैसा या तुम कोई भी नाश सक्त पुरस्थातुम, पुरस्थातुम बलि के सामने खड़ा होने में टिकने में समर्थ नहीं। कृतांत से जथा जना, जैसे मृत्यु के सामने कोई ठहर नहीं सकता, कौन ऐसा है जिसको मृत्यु ने मार नहीं डाला, कोई आज तक टिका है? मृत्यु सोचने लगा हो कि अरे अब क्या करे, जो भी जन्म लिया काल ने सबको मार दिया, तो काल के सामने जैसे प्राणी नहीं टिक सकते हैं, वैसे बलि के सामने तुम या तुम्हारे जैसे दूसरे भी नहीं टिक सकते हैं। कहने में यहां तक कह दिया गया शिष्ट भाषा में कि यदि भगवान ब्रह्मा भी इसके सामने खड़ा हो और रुद्र भी खड़ा हो तो वे भी आज परास्त हो जाएंगे, इतना तेज बढ़ा है बलि। तुम और तुम्हारे समान किस खेत की मूली, तुम टिक नहीं सकते। वास्तव में बलि महाराज ने अपने गुरुओं की सेवा की थी, ब्राह्मणों की सेवा की थी, और उन्होंने पूर्ण कृपा करके बलि में अपना तेज भर दिया था। यज्ञ कुंड से रथ दिया, घोड़ा दिया, कवच दिया, कौन टिक सकता है इस शक्ति के आगे? बृहस्पति जी ने कहा न पुरस्थातुम सक्त, पुरस्थातुम पूरा कहते सामने, सामने खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हो, फिर जीतने की बात तो बहुत दूर है। प्रकारांतर से कहने का आशय यह है कि इंद्र यदि मरने की लालसा हो तो सामने जाओ, यही प्रकारांतर से कहना है कि बेटा इस समय सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही होगी कि तुम सब लोग इस स्वर्ग छोड़कर भाग जाओ, कम से कम जान बची तो लाखों पाए, प्राण बचे रहेंगे ना। इतना बड़ा देवताओं पर संकट आ गया, फिर हम मनुष्यों की क्या गिनती है, वास्तव में क्या संकट नहीं है? शरीर में संकट है, रोग है, परिवार में दुविधा है, परिवार में भी चार पांच दस आदमी है तो उनमें भी मेल नहीं है, फिर शरीर में संकट है, उधर सरकार के द्वारा संकट है, इधर ये संकट वो संकट ये संकट, और दो दिन की जिंदगी है, अंत में बूढ़ा होना है, अस्पताल में रह करके बिना भोजन के मरेंगे, अंत में बिना खाए मरना पड़ता है। लोग कहते हैं कि इनका तो दस दिन से अन्न छूट गया है, उनका एक महीने से अन्न छूट गया, तो अन्न छूटने का मतलब क्या है? ये मृत्यु से पूर्व अवस्था है, मृत्यु भी की का एक अस्त्र है, भोजन बंद करो, भोजन ही बंद हो गया तो आप कितने दिनों जिएगा? इस फजीहत के साथ हम लोगों को मरना पड़ेगा। जीवन जब तक है तब तक भी केवल दुख ही दुख है। तो बात यहां यह बताई जा रही है जब देवताओं पर इस तरह का संकट आ सकता है एक क्षण में, और सर्व उपाय वेता गुरु से पूछा जा रहा है कि क्या करें, तो वे कहते हैं कि बस छोड़कर भाग जाओ, और वो भी भागेंगे, गुरु जी भी भागेंगे, क्योंकि वो भी स्वर्ग में ही रहते हैं।
ऐसा वर्णन है कि देवताओं और दानवों में युद्ध होता था तो बृहस्पति जी और शुक्राचार्य की जोड़ी होती थी, वे लोग युद्ध करते थे, दोनों पुरोहित युद्ध करते थे, देवताओं के पुरोहित दानवों के, सबको भागना है। कैसे भागना है? स्त्रियों को छोड़ करके, स्त्रियों को लेकर नहीं भागेंगे, और सुख की जो भी सामग्रियां हैं वो बगीचा वो घर जो भी सब वहीं रह जाए, लेकर नहीं जा सकते। अलक्षित भागना था, भेष बदल कर छिप करके, तो चारों तरफ से घेरे थे, वो भागते कहां? वो सूक्ष्म रूप बना बना करके देवता लोग भागे। आगे वर्णन आया है इस प्रकार के प्राकृत जगत में दशा होती है। आज बंबई में रह रहा है, जन्म हुआ है, एक दिन विदा होंगे, पता नहीं किस नगर में जन्म मिलेगा, है ना? नगर में कि जंगल में कि नाली में गटर में जन्म होगा कौन जानता है, कि पतंग बनेंगे। लेकिन हम लोग वर्तमान जीवन को ही बहुत समझ लेते हैं, बहुत समझ लेते हैं। और अभी तो ऐसी ऐसी विभीषिका आ रही है कि हो सकता है कि बम बॉम्बार्डिंग हो, बम भी डाला जाए, जगह जगह छोटे छोटे बम फूटते ही रहते हैं, तो वे बड़े बम की सूचना देते हैं। इस तरह का संकट है इस प्राकृत जगत। गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि इनके सामने टिकना असंभव है। तस्मात् निलयम् उत्सृज्य जूयम् सर्वे त्रिविष्टपम्। तस्मात् जूयम् सर्वे त्रिविष्टपम् उत्सृज्य निलयम् जातः। तुम सब लोग स्वर्ग छोड़ करके और भूमिगत हो जाओ, मतलब छिप जाओ, भागो, या जहां इच्छा करे जाओ। देवता तो रोने लगे कि कब तक हम लोग घर छोड़ करके रहेंगे। सबसे धनी देवता, सबसे सुख में रहने वाले आज जब पूछ रहे हैं कि कब तक हमारी दिन दशा रहेगी, हम घर से बाहर कब तक रहेंगे, तो कहते हैं जात कालम प्रतीक्षंत, अब उस समय की प्रतीक्षा करो जत शत्रु विपर्जय, कि शत्रु का विपरीत समय कब आएगा, अब उस समय की प्रतीक्षा करो। क्या कहा जाए, कितना दिन लगेगा, क्या होगा, सबका समय बदलता है। तो उनके पराभव का समय आएगा, वे हारेंगे, उस समय तक तो अब जाओ, अब वेट करो, गुजारा करो, क्या करो। बड़े द्रवित चित्त से गुरु महाराज बोल रहे हैं, वो भी अब शुक्राचार्य जी के सामने, अब इनका उपाय भी फेल कर रहा है, क्या करें। उस समय की प्रतीक्षा करो जब शत्रु का उल्टा समय आएगा। तो देवताओं ने पूछा कि कब इसका विनाश होगा बलि का, तो कहते हैं कि ये जो बल बढ़ा हुआ है, ये सब भी प्रबलो दर्क संप्रत उत्थित विक्रम, ये जो विक्रम बढ़ा है ये ब्राह्मणों की सेवा से बढ़ा है, जिनकी सेवा से बढ़ा है तेसा में वापमान न सान बंधो विनक्षत। जब शुक्राचार्य का अपमान करेगा, उन ब्राह्मणों का अपमान करेगा, तो उनके साप से विनष्ट हो जाएगा। ये लोक रीति से बात कही जा रही है। बलि महाराज विनष्ट नहीं हुए, भगवान उनके द्वारपाल बनेंगे, वे सुतल लोक जाएंगे, स्वर्ग से भी ज्यादा सुखमय स्थान। लेकिन लोक की एक रीति होती है, बृहस्पति जी के कहने का आशय है कि स्वर्ग से हटना पड़ेगा इसको, इतना ही आशय। तो जब ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो स्वर्ग चला जाएगा, फिर तुम लोग आ जाओगे। लेकिन अब कब ये होगा, कितना समय लगेगा, मैं नहीं कह सकता बेटा, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं कितना दिन इसमें लगेगा। तो चलो घर द्वार छोड़कर भागें अब। एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना। अर्थ का अर्थ है कार्य, कार्य को बताने वाले गुरु के निर्देशन को इन लोगों ने सुना, खूब अच्छी तरह से विचार किया, और हित्वा त्रिष्टपम जगमूर गिरवाण काम रूपेण, इच्छा के अनुसार भेष बदल लेते हैं देवता लोग, तो भेष बदल बदल करके अब स्वर्ग को छोड़ करके सब भागते हैं।
और महाराज बलि चैलेंज कर रहे थे, शंख बजा रहे थे, एक भी कोई लड़ने के लिए आया नहीं, कोई युद्ध के लिए नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि सैनिकों चलो राजधानी में प्रवेश करो, पर सावधानी से करना, देवता बड़े कपटी होते हैं, वे कहते हैं भीतर से प्रहार कर सकते। तो लोग गए तो वो कहे को कोई प्रहार करने जाए, सब खाली, तब भाग गए। उसके बाद बलि महाराज गए इंद्र भवन में और वहां जो सबसे सुंदर सिंहासन था उस पर बैठे और उसे इंद्रपुरी को अधिकार में करने का मतलब था पूरा विश्व अपने अधिकार, क्योंकि वहीं से शासन चलता था। जब कोई राजा किसी दूसरे राजा को जीतता है तो पूरे देश में नहीं घूमता है, उसके राजधानी को कैप्चर कर लिया, पूरे देश पर शासन हो गया उसका। इस तरह बलि ने कर लिया। देवेशु अथ नीलीनेशु, जब देवता नीलीन हो गए, छिप गए, तब विरोचन के पुत्र बलि महाराज ने उस पुरी में प्रवेश करके उसमें अपना शासन जमा करके और बसम निन्य जगत त्रयम, तीनों जगत को अपने बस में कर लिया, अब इनका शासन हो गया। लेकिन बलि महाराज परम धर्मात्मा थे, इसलिए इन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया। जैसे देवता शासन करते थे उससे भी अच्छा शासन करने लगे, ऐसा वर्णन है। सारे विश्व को बस में कर लिए। लेकिन शुक्राचार्य जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो ये देख लिए कि हमारा शिष्य विश्व को जीत लिया, स्वर्ग जीत लिया, लेकिन वो जानते थे कि भगवान ने नियम बनाया है कि जो सौ अश्वमेध यज्ञ करेगा वही इंद्र बनेगा। तो असमय में उनका शिष्य इंद्र बन गया था, तो शुक्राचार्य ने कहा कि तुम सौ अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लो, जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसको पूरा कर लो, नहीं तो भगवान कभी भी हटा देंगे, भगवान तो भगवान है। ये उनकी बुद्धि थी। उन्होंने कहा कि तुम सौ अश्वमेध यज्ञ चालू करो, तो भगवान बाद में तो क्वालिफिकेशन देखेंगे ना, भाई ये भी इंद्र के योग्य है तो ठीक है रहने। और पुरंदर कर चुके थे यज्ञ, जो पहले स्वर्ग के राजा। तो तम विश्व जैनम शिष्यम भृगव शिष्य वत्सलः सतेन है मेधा नाम अनुव्रतम याजयत। तो शिष्य से स्नेह करने वाले भृगुवंशी ब्राह्मण अपने शिष्य विश्व विजयी बलि महाराज को कहे कि तुम सौ अश्वमेध यज्ञ कर लो, स्वर्ग में ही यज्ञ पूरा कर लो, नहीं तो भगवान के नियम के आगे कुछ भी नहीं अस्थिर रह सकता। तो इंद्र बने थे, इंद्र पद को स्थिर करने के लिए यज्ञ चालू हुआ और 99 यज्ञ कर चुके, ये वर्णन आएगा। 100वें यज्ञ में भगवान वामन देव गए थे, यदि वो यज्ञ पूरा हो गया अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे। सारा जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो पूरा कर चुके हैं, तो आगे इंद्र बनेंगे, ऐसा लिखा गया भागवत में। तो ये लोग यज्ञ कराए, 100 अश्वमेध यज्ञ के लिए इनको दीक्षित किए। उस यज्ञ के प्रभाव से तीनों लोक में बलि महाराज की कीर्ति बढ़ गई। ये असुर थे, असमय में देवताओं को जीते थे, लेकिन एक जगह भी किसी भी न्यूज़पेपर में बलि महाराज की शिकायत नहीं हुई कि इन्होंने गलत किया, कोई नहीं कमेंट दिया कि ये गलत किए, ठीक किया। कीर्ति फैली तीनों जगत में, जो भी सुनता था इनके शासन को और यज्ञ की बात को कि यज्ञ कर रहा है, असुर होकर के अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो सब जगह कीर्ति बढ़ती थी, सब लोग धन्यवाद भेजते थे बलि महाराज को, ठीक है बहुत अच्छा। तो इस कारण से अब इंद्र पद से हटने का कोई नामो निशान नहीं था, तो माता अदिति का शोक और बढ़ता जा रहा था। जितना सुंदर शासन चल रहा था उतना ही विपक्ष को दुख हो रहा था, जनता उनके पक्ष में जा रही थी। विपक्ष वाले हल्ला करते हैं लेकिन चाहते हैं कि जो सत्तारूढ़ सरकार है वो कुछ गलती करे, कुछ गलती करे।
ये संसार में लगा हुआ है, लेकिन इंद्रदेव तो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में भगवान का पूजन हो रहा, अश्वमेध यज्ञ में भगवान श्री हरि की पूजा होती है, तो किए उसके अनुभव से प्रभाव से तीनों लोक में कीर्ति छा गई, कीर्ति फैलती जा रही थी, कीर्ति दीक्षु वितनवाना, वितनवाना का अर्थ है कि फैलती जाती थी दिशाओं में, सर्वत्र तीनों लोक में इनका जस फैलता जाता था, और वे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे। स रेजे उडुरा दिव, उडुरा चंद्रमा के समान सुंदर लगने लगे, तेजस्वी, सब जगह प्रशंसा होती थी। और चंद्रमा से यहां उपमा यह दी जा रही है, भाव यह है जैसे चंद्रमा की किरणें सबको सुख देती हैं, उसी तरह से बलि महाराज का व्यवहार सबके लिए सुखमय था। वे पुरंदर से भी अधिक कुशल शासक, अच्छी व्यवस्था कर रहे थे, समय पर वर्षा करना, सब कुछ करना, सारा पावर जो इंद्र आदि का था, वरुण देव का, कुबेर का, सब ले लिए थे। वो लोग अपने आप भाग गए थे, इनका क्या दोष है। तो इस तरह से इनकी कीर्ति बढ़ रही थी, बुभझे च श्रीयाम श्रीधाम, और स्वर्ग की उस महान समृद्धि को भोग रहे थे जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा प्राप्त कराई गई थी, और अपने को कृत 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 जैसा मानने लगे। स्वर्ग का भोग तुच्छ है, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग किया गया है। बलि महाराज स्वर्ग जीत करके अपने को कृतार्थ नहीं मान रहे थे, लेकिन बाहर रूप से ऐसा लगता था कि बलि महाराज अब अपने को धन्य मानने लगे स्वर्ग का राजा बनकर। तो इस तरह उनकी कीर्ति फैल रही थी, सारा जगत सुखी था, लेकिन अदिति को बहुत भारी दुख था इस बात का कि उसके पुत्र स्वर्ग में नहीं रहे, आज पता नहीं कहाँ गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक कथा कल आएगी कि वह माँ अपने पुत्रों के दुख से दुखी होकर के अपने पति की शरण लेती है, और दोनों मिलकर उपाय करते हैं, भगवान की प्रार्थना व्रत, तो फिर तख्ता पलट जाएगा, भगवान भीख मांगेंगे। तो कल यह प्रसंग आएगा किस प्रकार इंद्र अपने माँ अदिति से रो रो करके कहते हैं। पुत्र पर जब संकट होता है तो सबसे बड़ा सुहृद उसकी माँ होती है, माँ के पास ही वो रो रो करके कहता है, पिता से तो कह नहीं सकते थे क्योंकि पिता तो दोनों के पिता थे, उधर दैत्यों के भी पिता कश्यप जी ही थे और आदित्यों के भी पिता कश्यप जी थे। तो संकट में बच्चा अपने माँ की शरण लेता है, भगवान इंद्र एक दिन आकर के चरण पकड़ कर माँ का रोने लगे, माँ तुम कुछ उपाय करो, तब वह अपने पति से कहेगी। स्त्री का बल पति होता है, किस तरह से भगवान के अवतार, भगवान का अवतार हुआ, बहुत ही सुंदर कथा। कल कश्यप जी और अदिति का संवाद सुनेंगे। हरे कृष्ण।